आ जा तू। तू तू जा। तू इधर आ। तू आ। ले। आप उनको बेचने को डर लगता है। डर लगता है? इसे बेचने को अपुन को डर लगता है। अच्छा, बेचने के लिए डर लगता है। आजा बच्चों, तेरा डर अभी निकालता हूँ। कौन निकला तेरा डर? निकला। बेचने में डर लगता है तेरे को? अब निकलेगा तेरा डर। नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? मैं बैठा बैठा के खिलाऊंगा तुझे। डर लगता है, सिर्फ बैठा बैठा के खिलाओ इनको। कहाँ है तेरा भगवान? छोड़ दे इस लड़के को। कौन है रे तू? सूर्या। अगर नहीं छोड़ा तो आज से अन्याय नहीं न्याय होगा। आज से न्याय और अन्याय का फैसला मैं करूंगा। सूर्य भाई, अपुन का इस दुनिया में कोई नहीं है, अपुन आपके साथ ही रहेगा भाई। क्या नाम है तेरा? जादव। आप क्या करते हो भाई? बम के लिए आइटम बम, मारता हूँ ज्यादा डराता हूँ कम। ए भाई बिग रहा है, छाता तो खोल रहे। गुड मॉर्निंग। सूर्या ने जो आपसे कहा वो आप समझ गए ना? आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सूर्य भाई सब देख लेंगे, अब आप जा सकते हैं। सर, ये सूर्या भाई से मिलना चाहते हैं। बैठिए। नमस्ते भाई। नमस्ते, बोलिए। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। कई दिनों से कॉलेज से काफी लेट घर आ रही है। यही बात जानने के लिए मैं एक दिन उसके कॉलेज गया, मगर वो कॉलेज में नहीं मिली। कॉलेज के पिछवाड़े देखा, कुछ अमीर ज़ादे मेरी बेटी को अपने साथ ड्रग्स दे रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा। वो सिर्फ मेरी बेटी की ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सुना है सूर्या भाई खुद न्याय अन्याय का फैसला करते हैं। सर, आप एक बार सूर्या भाई से कहिए ना कॉलेज आ जाए। तलवार से कोई नाखून नहीं काटता, इसके लिए उनका भाई जादव ही काफी है।
यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। विद्या के मंदिर में पाप की घंटियां मत बजाना, नहीं तो मौत का घंटा बजाएगा सूर्य भाई। डॉन नंबर वन। अरे ये कहां का न्याय है? एक साल हो गया हमें फ्लैट बुक किए हुए, अब तक पोजीशन नहीं मिला, और ये कह रहे कि कोई बिहारी आया है, ये जगह उसे दे दी है। हमें क्या करा जैसा? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आप लोगों के बारे में उसे बात भी की थी, मुझे मारने की धमकी दी है। वो बिहार का बड़ा गुंडा है, पॉलिटिकल लेवल में पुलिस में उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने बिहार में आज तक बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप लोगों में हिम्मत है उससे बात करने की? जाओ जाकर उससे बात करो। चलिए मेरे साथ, हिम्मत है तो चलिए। चला हो अपन टाइम जाऊन भेटू या? हाँ चला। चलिए इन्हें आपसे बात करनी है। भाऊ ये कैसा अन्याय है? भाऊ मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके फ्लैट बुक किया और आपने उस पर कब्जा कर लिया। किया तो? ऐसा अन्याय मत करो। अन्याय किया तो? एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे मी त्याला जाऊन सांगे। क्या करा के बोल बे रे? पुलिस के बताई बे का? ठीक बा, बात कर। ओ डरत बा, तोरा के बाद में फोन करब तो है, मिनिस्टर से बात करे के बा। ले बात कर। अरे वो तो और डर रहल बा, फिर कब ओकरा साथे बात कराई? अब बोल बुढ़वा। पुलिस को नहीं, मिनिस्टर को भी नहीं, जिसे कहना है उसे ही कहूंगा। क्या करा के बोल बेरे तू? मारा अजून, मारा मारा होगा, हर मार का हिसाब होगा। मैं सांगते हैं तो तुम जो व्हाइट व्हाइट सालों साली है। अत्याचार बढ़ता है तो उसे मिटाने वाला भी पैदा होता है। मारो हमें और मारो, आम सा आवाज ऐसा पर जरूर पहुंचेल। बुढ़िया के हवा भेज। कहवा तक आवाज पहुंचे के चाहिए? कहा बोलत रहली? तू बोल बोल। माजा सूर्या पर्यंत। सूर्या? सूर्या का गोला है, देखता हुआ शोला है, उसे छुओगे तो जल जाओगे, राख बनकर बिखर जाओगे तुम। है वो गरीबों का मसीहा, करता है जालिमों का खात्मा। उसे प्यारा है वतन, कहलाता है डॉन नंबर वन।
सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाए। बंद कुवारतनी नीचे कर। ए सूर्या, बिहारी का पावर नहीं जाने ले, उड़ के जान लगी लाओ बीमारी बानी, पानी के तेरे खून बहेला, और पिए के पहले सतुआ सतुआ मिलाईला, छील छील के छोटा करे वाला चाकू है। अब सीधे से तो नीचे बैठ जाओ, चल बैठ। बॉयस, सूर्या के बैठने के स्टाइल देख अच्छे अच्छे झटका खाकर खड़े हो जाते हैं, यही है असली हिंदुस्तानी पावर, समझा क्या? ए, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, सीधे पॉइंट पे आता हूं। ये जगह तू जल्दी खाली कर दे, जबरदस्ती कब्जा करके तमाम बिहारियों को क्यों बदनाम करता है तू? मुझे अपना क्या पावर दिखाएगा? मैं तुझे इंडियन पावर दिखाता हूं, हैंड टू हैंड। क्या कहता है, दम है तो? रिलैक्स बॉयज। Finish. Hey, ये है सूर्या का पावर, हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वालों का मैं यही हाल करता हूं। hey! सब लफड़ेबाजों को वापस अपने अपने घर भेज दो और चाचा को हॉस्पिटल ले जाओ। आप लोग सठिया गए हैं क्या? कल भाई का बर्थडे है पता है ना, फिर भी उनको बाहर कौन सा मैटर सल्टाने के लिए भेज दिया? आप उनके लिए शॉपिंग क्या करने चला गया, उनको भी छूट मिल गई। आप लोग भी ना कुछ ज्यादा ही करने लग गए, सूर्या भाई ने आप लोगों को सर पे चढ़ा रखा है, सबको कंट्रोल में रखना होगा। अच्छा काम करो, आप उनके लिए स्टिक लेकर आओ। कहा ना एक स्टिक लेकर आओ। आप लोग खड़े क्यों हो गया?
आपको नहीं मारूंगा, आप सिर्फ स्टिक लेकर आओ। ये तो सूर्या भाई है जो बेलगाम हो गए हैं, उनको अपन जैसा कंट्रोलर चाहिए बस। सूर्या से बातें करते वक्त मारे घबराहट के तू शाहरुख बन जाता है और तू उसे कंट्रोल करेगा। हेलो, अपन आप लोगों के सामने हकलाता है, सूर्या भाई से कौन डरता है, उनको तो अपन कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल नहीं भाई, कंट्री, देशभक्ति की बातें कर रहे थे भाई। लो लकड़ी चाहिए थी ना। अरे हट, आपने कब बोला था? किसी को कंट्रोल करने वाले थे ना। आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है, चुप रहिए। अरे तू तो सूर्य को कंट्रोल में रखने वाला था ना। सूर्या भाई को अपन क्या कंट्रोल करेगा, वही चापन सबको कंट्रोल में। लो अब तुम इसे कंट्रोल करो। उसमें बचपना है, तुम बाहर जाओ, बाहर सब बस्ती वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ जाओ। ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। राम भैया आप सब एक साथ आए? भाई आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए घर बनवाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाया, इतना सब कुछ किया हम लोगों के लिए, हमें अपने जैसा ही समझा आपने। भाई कल आपका जन्मदिन है, जानते हैं कि आप अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाते, बस एक बार अपना जन्मदिन हम लोगों को मनाने दीजिए ना भाई, कल हमारी बस्ती में आप जरूर आइएगा। क्या सोच रहे हैं सूर्या भाई, एक बार आपको हमारी बस्ती में आना ही होगा। अरे थामा, जबरदस्ती है क्या है? सूर्या भाई को राजी भी तो होना चाहिए, आप उन पटाखे लेके आएगा है ना भाई? पता नहीं। ठीक है मैं आऊं। हाँ भाई आज बहुत अच्छे मूड में, शादी के बारे में पूछ लो ना। अरे अरे तू सूर्य से कुछ भी पूछ ले, सूर्य से शादी के बारे में पूछेगा उसे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा करेंगे सुनते हुए तो अपन तो कुंवारा ही मर जाएगा, सुहागरात भी नहीं मना पाएगा। अरे तुझे शादी का इतना ही शौक चढ़ा है तो रात में सूर्य से अकेले में बात कर लेना। भाई से अकेले में बात? हाँ ओके, रात को एक पेग मार लूंगा और पूछ लूंगा। हाँ जा जा जा। ओके जय 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 सूर्य भाई, आज का दिन तेरा है भाई, खुशी का सूरज बन के आया यहाँ, झूम दुनिया नाचे दिल जवां। जय जय सूर्य भाई, आज का दिन तेरा है भाई, खुशी का सूरज बन के आया यहाँ, झूमे दुनिया नाचे दिल जवां। जय सूर्य भाई, आज का दिन तेरा है भाई, खुशी का सूरज बन के आया यहाँ, झूम दुनिया नाचे दिल जवां। पड़ती है बेड़ू हो गया ए भाई, तू जिसका प्यार दो प्यार लो, है यही जिंदगी, ले लो आंखों से आंसू, दे दो सबको खुशी। विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्या भाई, विश यू हैप्पी बर्थडे।
जय जय सूर्य भाई, आज का दिन तेरा है भाई, खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया, नाचे दिल जमा। दीवाना दीवाना, एक से दो भले तुम चलो हम चले, ना रुके ये घड़ी दिल से दिल जब मिले। विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्य भाई, सूर्य भाई। विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू सूर्य भाई, सूर्य भाई। जय 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 सूर्य भाई, आज का दिन तेरा है भाई, खुशी का सूरज बन के आया यहाँ झूमे दुनिया, नाचे दिल जवां। तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को मारा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है, ये सब क्या है? माथुर जी, कॉलेज में लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। का बेटा है, एंजॉय तो करेगा ही ना, छोटी सी बात पे इतना मारा। हम दोनों की 10 सालों से बिजनेस में पार्टनरशिप है, समझे? इसे नहीं पता क्या? जाधव जी भाई, तूने मारा क्या उसे? जी भाई मारा, बस मार कर छोड़ दिया तूने, जान से क्यों नहीं मारा? पागल हो गए हो क्या सूर्या? संग्राम, मुझे अपने बिजनेस से ज्यादा अपने उसूल प्यारे हैं। जाधव जी भाई, ये बेशक मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका बेटा कुछ भी गलत करे। माथुर जी, इनका अकाउंट सेटल करके इन्हें अलग कर दो। ए सूर्या, ए आवाज नीचे करके बात करो। सूर्या भाई ने अगर एक हाथ उठाया ना तो तुम जमीन में धस जाओगे। तुम्हारा बेटा तो कोमा में गया, लेकिन तुम सीधे ऊपर जाओगे, समझे? चल संग्राम, चल। अबे आंख मत दिखा, चल नेक। चल चल। आज तो आर्या पार जाधव। आई लव मेलू। जाधव। हाँ भाई। क्या आओ? संभाल। क्यों, खाना खा लिया? हाँ खा पी लिया भाई। तो फिर नींद नहीं आ रही है क्या? भाई ऐसी बात नहीं है भाई, आप उनको आपसे कुछ कहना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आप उन थोड़ा सा चढ़ा कर आ रहे हैं भाई। मुझसे बात करने के लिए पीकर आना पड़ता है क्या? ऐसी कौन सी बात भाई है? वो मैटर ही कुछ ऐसा है ना कि भाई आप उनके हाथ पांव कांप रहे ले भाई। हाथ पांव कहाँ पर है? आपके शादी की बात है भाई। अरे भाई देखो, गुस्सा मत करना भाई, और मेरे को मारना मत। आप उन तो आज बोल के रहेगा। हाँ भाई देखो भाई, उठना मत, हाँ जरा डिस्टेंस रखना है भाई, अब डिस्टेंस। हाँ प्लीज भाई मेरी बात मानो, हम दोनों की उम्र बीत जाए उससे पहले शादी कर लो भाई। जब आपकी शादी होगी तब आप उनका नंबर आएगा भाई। दूसरों की बारात देखकर अपन को बहुत तकलीफ होती है भाई। सड़क पे चलने वाले लड़कियों से बचने के लिए अपन एकदम स्ट्रेट देख के चलता है भाई, लेकिन अपना गर्दन का कैमरा घूम ही जाता है। गर्दन घुमा लेता हूँ लेकिन नजर का क्या करूँ? अब आपको क्या बताऊँ, रात को नींद नहीं आती, रात भर करवटे बदलता हूँ, कितना सीडी डीवीडी की फिल्में देखूंगा। भाई आप उनको कुंवारा नहीं मरना चाहता, आप शादी कर लो ना भाई। देखो जाधव, मेरी शादी तो इम्पॉसिबल है, तुम शादी कर लो भाई। बड़े भाई के होते छोटा शादी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन आपको इनकार क्यों है शादी से? हमारा हर काम सही है लेकिन कानून की नजर में गैर कानूनी है, तो लड़की को कैसे समझाएंगे? भाई जो लड़की इस बात को समझे उससे शादी कर लो। ठीक है,
लेकिन जो मुझे चैलेंज कर सके ऐसी लड़की होनी चाहिए। वाह भाई, अगर अपनी पसंद तो बताए, थैंक्स भाई। उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो लड़की हाँ, दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। मिल जाएगी, मुझे देखकर डरे नहीं। ये कैसे होगा? हिम्मत वाली होनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली, चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। आंखों में आंखें डालकर डेयरिंग से बात करने वाली, आपसे बात करते हुए चुटकी बजाने वाली। 25 साल से अपुन आपके साथ साये की तरह रहता है, कभी अपुन की हिम्मत नहीं हुई ऐसी बात करने की। भाई अपुन को क्या लगता है मालूम है? इस जन्म में तो अपनी शादी नहीं होने वाली। मिस्टर ब्रदर चलता हूँ, थैंक्स। लड़कियों की फोटो अपुन को देखने दो ना। जाधव, फंक्शन कितने बजे का है? थोड़ा टाइम है भाई। जाधव, इनको फौरन पकड़ो। वो देखो सूर्या भाई। ए, जाके पकड़ो उनको। इनको फौरन हॉस्पिटल ले चलो। टेंशन मत लीजिए। दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। भाई डाउन होकर डाउन हो रहे हो भाई? ये लड़की तो मदद करने वाली है। मैडम नमस्कार। मैडम शहर में नहीं है? जी हाँ। समझ गया अपुन, ये है अपुन के भाई सूर्या भाई। सूर्या भाई हाँ? अब वो बिल्कुल ठीक है, सही वक्त पर लाकर अच्छा किया। चिंता मत कीजिए, यू कैन रिलैक्स। वेरी गुड, इट्स माय ड्यूटी। थैंक्स। थैंक्स मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? आप तो भगवान की तरह पहुँच कर उनको बचा लिया, बस बाय। यही वो लड़के हैं सूर्या भाई। डॉक्टर क्या हुआ सर? इस लड़के का ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। व्हाट बॉयज, इसको उठाकर ले जाओ। ए, जस्ट मैंने आपको भगवान का नेक्स्ट मोमेंट गुंडा बन गए, इसे खुद मारकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे? आप इंसान है कि क्या? ओए मैडम, आप उनके भाई के अंदर दो रूप छुपे। चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो भाई की आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करके दिखाओ। क्यों नहीं कर सकती मैं? हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। ए, तू भी निकाल रही। भाई जैसा आपने कहा था, मदद करने वाली है और आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करने वाली। कहो तो बात चलाओ। Do you know why they called for emergency meeting? I don't know sir, urgently call किया था। Any urgent matter? I don't know जी। क्या कोई नया intelligence report आया है? Let us see. Good morning. Sit down please. My dear friends.
ये अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाया है क्योंकि दिस इज फिरोज, ये है पाकिस्तान का माफिया डॉन। दुनिया में जितने माफिया डॉन हैं, उनका सुप्रीम, उसके ऊपर स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, मर्डर्स, हवाला, लैंड ग्रैबिंग्स जैसे बहुत सारे केसेस हैं। सिर्फ केसेस ही हैं, कोई सबूत नहीं है। अब उसकी नजर हमारे भारत देश पर है, वो यहाँ आने वाला है। ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है। अगर वो इंडिया में आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शांति भंग कर देगा। सर वो इतना पावरफुल है? हाँ बहुत पावरफुल है। जब कनाडा का डॉन उसके आड़े आया तो उसका क्या हाल हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए। फिरोज का एक अलग ही स्टाइल है। पाकिस्तानी डॉन तुम्हारे कनाडा पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। सिकंदर का खून, उसका जुनून मेरी रगों में है। दुनिया पर कब्जा करने के उसके अधूरे ख्वाब को मैं पूरा करूंगा। लेकिन मेरे रास्ते में तुम आ गए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इट्स ओके। चलो मौत का गेम खेलते हैं। तुम्हें गेम के रूल्स बता दूं। हम दोनों यहां पर फाइट करेंगे। दोनों में से जब जो गिरेगा उसका आदमी मारा जाएगा। मतलब अगर मैं गिरा तो मेरे दो आदमी मारे जाएंगे, और अगर तुम गिरे तो तुम्हारे दो आदमी। जिस ग्रुप का जितना आदमी बचेगा फाइनली वही ग्रुप जीत हासिल करेगा, और वो इस जगह का डॉन होगा, कनाडा का नया डॉन। तुम तो गहरी सोच में पड़ गए, डर गए क्या? ओ गुड। Girls, relax. बदलने नहीं चाहिए। नो, नो। तुम हार गए, तुम्हारी बीवी अब मेरी हुई। गर्ल्स गेट हर।
Now she's mine. Sorry. आज से फिरोज कनाडा का नया डॉन, नेक्स्ट भारत देश। वो किसी भी बात से नहीं डरता, ताकत हासिल करना उसका जुनून है। इंडिया पर कब्जा करने के लिए तगड़ी प्लानिंग की है उसने। उसका आदमी हमारे बीच में है, लेकिन कहां किस डिपार्टमेंट में है कुछ भी पता नहीं। वो सबसे पहले देश के VIPs, MLAs और मिनिस्टर्स पर पासा फेंकेगा, उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देगा। ऐसे में आम जनता डर जाएगी और वो देश को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, लेकिन हम उसे ये मौका नहीं देंगे। और इसलिए इस केस को डील करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है, और आप सब भी अलर्ट रहिएगा। यस सर। कल फिर मिलेंगे। ओके बाय। सूर्य, मेरी बेटी अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी मुंबई आई है, मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। उन्हें बुलाइए ना। प्रिया, भाई अब डॉन नंबर वन है, बैठे रहिए। सूर्य जाधव बनर्जी। नमस्ते। ये ऐसे ही बात करती है, लेकिन इसे तुम्हारे बारे में सब पता है। माथुर अंकल, हाँ, ये आपकी बेटी है। हाँ, पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए। मतलब डिटेल्स अभी बाद में। हो क्या करती है अब? इसने कंप्यूटर में स्पेशल कोर्स किया है, यहाँ मुंबई में अच्छी जॉब की तलाश में है आजकल। तो ये हमारे यहाँ जॉब कर सकती है? मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। क्यों बेटी, आपको पता है नहीं कैसे इंसान है? आप उनके भाई के परमिशन के बगैर यहाँ किसी को कोई जॉब नहीं मिल सकता। हाँ सही कहा ना। किलर है, शूटर है अपन का भाई। यादव, तुम सूर्य की बुराई कर रहे हो या तारीफ? इसका भी दिमाग क्या? अरे देवा, अब इन बुड्ढों को कैसे समझाओ? तुम्हें यही काम करना चाहिए। यहाँ क्या काम है? कितने गन्स खरीदे, कितने कत्ल किए, कितनी हड्डियाँ तोड़ी, कितने सर फोड़े, मुझे अच्छी तरह पता है। इनके कंप्यूटर्स में इन्हीं सब चीजों का हिसाब रखना होगा। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मैं ये नौकरी हरगिज़ नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? प्रिया, प्रिया, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, बताओ तो सही। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। करना ही होगा। आज जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह है सूर्या। मतलब मुझे यहाँ काम करना होगा? करना ही होगा। मैं इस गुंडे के साथ काम नहीं करूंगी। गुंडा? किसे कह रही गुंडा? छोड़िए भी, इन्हें पसंद नहीं तो जाने दीजिए। इनका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया आप जाइए, आप आइए मेरे साथ। सॉरी सूर्या, उसने बिना सच्चाई जाने इतना कुछ कह दिया। इनकी यही बात तो मुझे अच्छी लगी। अपनी बेटी के जॉब के बारे में फिक्र न करें, सिटी बैंक के मैनेजर से जाकर मिलिए, जॉब मिल जाएगी। पर प्रिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सूर्य, क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? पसंद आई क्या पूछ रहे हो भाई? हंसे, इसका मतलब है कि हाँ, पहली बार भाई ने किसी लड़की को पसंद किया है। अब आपका काम है अपुन की भाभी को मनाना। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, मेरी बेटी तुम्हारी भाभी जरूर बनेगी। सूर्या को पसंद आई, ये मेरी बेटी का नसीब है। वो तो है। अंकल, आपकी और कोई बेटी है क्या? अपन भी अभी कुंवारा है। आपकी कोई बेटी है? मेरी तो शादी ही नहीं। तो जाके डूब मरो ना। इंडिया जाओ और वहां के नामचीन गुंडों को फिरोज का नाम बताओ। भाई आपका जूस। भाई, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? किस बारे में? भाई उस लड़की के बारे में। कौन सी लड़की? क्या भाई, जो पहले हॉस्पिटल में मिली फिर घर पे।
भाई वो आफत तो सामने से आ रही है। अरे भाई इतना डर क्यों रहे हो? अरे डरू नहीं तो और क्या करूं? प्रिया को जॉब सूर्य की वजह से मिला है, लेकिन वो तो अपने टैलेंट के जोर को बिल्डअप दे रही है बैनर्जी, न जाने क्या होगा। रे जादव, रे बोल रे, बोल रे, बोल रे, टपोरी, टपोरी जादव। लेकिन भाई ये आपने को टपोरी बोल रही है, एडजस्ट कर ले थोड़ा। हाँ ठीक है तुम बोलो। ये क्या है पता है? अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हारे भाई के कहे बगैर मुझे इस शहर में कोई जॉब ही नहीं देगा, ऐसा तुम कह रहे थे ना? मेरे टैलेंट को देखकर जॉब मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया। ये है मेरा लेवल। अब तुम क्या कहोगे, लॉलीपॉप? हेलो मिस लॉलीपॉप, ये जॉब तुम्हारे टैलेंट को ढूंढते हुए नहीं आई, ये तो मेरे भाई ने एक फोन। यादव हाँ, तुम्हारे टैलेंट की वजह से ही मिली। ए नो दादागिरी, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे ये जॉब दिलवाई है। तुम्हारा भाई बैठे बैठे कहता रहता है जादव जादव, और तुम जवाब देते हो ओके भाई, ठीक है भाई। और कोई काम है तुम दोनों को? मिस्टर सूर्या, मुझे जॉब मिल गई है, यही इन्फॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। चलती हूँ, बाय। भाई ये लड़की तो बिल्कुल आपके पसंद की है भाई, अपन बुलाते आप आई लव यू बोल देना। मुझे डर लगता है भाई, आप तो डॉन नंबर वन है, आपसे तो पूरा देश डरता है और आप हो के एक लड़की से डरते हो। डॉन नंबर वन कहलाना एक बात है, प्यार का इजहार करना अलग बात है। भाई दौलत तो जब चाहे कमा सकते हैं, एक बार उम्र निकल गई ना, कब आप आई लव यू कहेंगे, कब शादी करेंगे, कब मेरी बारी आएगी। अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचिए भाई, अब ऐसे अकेले जिंदगी बिताने में क्या मतलब है। प्रिया के साथ में अपना घर बसाइए, परिवार बनाइए, चलता है अपन। बात तो पते की है जाधव ने। परी लगती हो तुम, रूप की रानी, रूप की रानी। जुल्फ घटा आंखें हैं कमल, चेहरा नूरानी, चेहरा नूरानी। ये जो एक स्पेशल ऑफिसर आने वाले थे वो आ चुके हैं। पाकिस्तानी डॉन की नजर हमारी इंडिया पर है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस फाइल के अंदर है, सीरियस मैटर है, केयरफुली डील कीजिएगा। आया तुमसे कुछ बात करनी है उसे। यादव बहुत खूब सूर्या, पब्लिक के बीच तुम्हारी बहुत पावर चलती है, जहां जाओ तुम्हारे ही नाम। कल मैं कुछ वीआईपी से मिला था, आप इंडिया के जाने माने उद्योगपति हैं, लेकिन मैं एसपी होने के नाते आपसे मिलने नहीं आया हूं। इंटरनेशनल डॉन फिरोज का कहना कि आप उनसे दोस्ती का हाथ मिला लें, क्या कहते हैं? सॉरी, मैं किसी भी हालत में सूर्या के खिलाफ नहीं जा सकता।
आपको यहाँ आने से पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। एसपी साहब, मुझे एमएलए बनाने वाला सूर्या भाई, अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। उधर सूर्या भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी जान ले लेगा, या फिर मेरे पार्टी के कार्यकर्ता आपको जान से मार देंगे। बेटी, एसपी साहब सूर्या का एनकाउंटर करना चाहते, कॉफी पिलाओगी इनको? सूर्या, तुम डॉन होकर भी सबके दिलों पर राज करते हो। इनफैक्ट हम पुलिस वालों से ज्यादा तुम्हारा ही पावर चलता है यहां पर। तुम्हें और मुकाम हासिल करना चाहिए सूर्या। लोकल डॉन होने से क्या होगा, बनना है तो इंटरनेशनल डॉन बनो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफर है इंटरनेशनल डॉन फिरोज का। फिरोज की इंडिया पर नजर है और उसी ने मुझे यहां भेजा है। मैं फिरोज भाई का आदमी हूं, मेरे डिपार्टमेंट को नहीं मालूम। तुम कहोगे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मैं एक एसपी हूं और तुम एक गुंडे। यादव, सूर्या, तुम फिरोज भाई से हाथ मिला लो, फिर देखो तुम कहां से कहां पहुंचते हो। उसके बाद जो चाहे करते रहना, जैसे किडनैप, कब्जा करना, मर्डर करना और भी दूसरे क्राइम्स, मैं सब संभाल लूंगा। जिंदगी में खूब रुपए कमाओ और मिल बांट के खाओ, लाइफ को एंजॉय करो और ऐश करो। तो पुलिस है या ब्रोकर? ए, उंगली नीचे कर वरना हाथ काट के फेंक दूंगा, किसी लायक नहीं रहेगा। खैरियत चाहता है तो जल्द से जल्द निकल ले यहां से, नहीं गया तो बेमौत मारा जाएगा। सूर्या, जा यहां से। हेलो, चल निकाल। तेरे को जाने के लिए कहा ना। सूर्या, उद्योगपति आशु ने फिरोज से हाथ मिला लिया है। आशु को फोन लगा। हेलो आशु, जो मैंने सुना है वो सच है क्या? तुमने सच सुना है सूर्या। देखा जाए तो मैं पिछले 7 सालों से मेडिकल कंपनी चला रहा हूं, कभी 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हुआ, और फिर इसीलिए मैंने फिरोज से हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही 10 करोड़ हाथ में आ गए। क्या बिजनेस है? मेरी कंपनी में जो दवाइयां तैयार होती है, हम लोग उसकी डुप्लीकेट दवाइयां बनाएंगे और फिर दोनों को मिक्स करके बेच देंगे। ये गलत बात है आशु। मुझे मालूम है ये गलत है सूर्या। मासूम लोग मारे जाएंगे, तभी तो आबादी कम हो जाएगी सूर्या। आशु, तुम उससे हाथ मत मिलाओ। सूर्या, फिरोज की एंट्री से तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे तुम डरो मत, मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? मालूम है, डूबते हुए सूर्या से। माधुर जी, यादव, आशु कल सुबह का सूरज न देखने में।
मैं एसपी भूषण बोल रहा हूँ। क्या है? इंडिया में जो सोच रहे हैं नहीं हो सकेगा। वो क्यों? यहाँ पर सूर्य नाम का एक डॉन है, हिंदुस्तान में उसकी बहुत चलती है सर। आज ही एक ने हमसे हाथ मिलाया था तो सूर्य ने उसे मार डाला। फिरोज का नाम बताया? बताया था सर, उसने मुझे एक हफ्ते के अंदर नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जान से मार डालेगा सर। वन मिनट सर, इंडिया से एसपी भूषण का फोन आया है, वहां पर कोई सूर्य बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एसपी मैंने तुम्हें इतने पैसे किस लिए दिए हैं? हमेशा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फोन पर बताने के लिए? देखो हर जगह पर कोई ना कोई सरफिरा होता है, उसे कैसे रास्ते पर लाना है वो तुम्हारा काम है, और अगर नहीं माना तो खल्लास। वो बहुत पावरफुल है सर। एएसपी हजामत बनाने के लिए लाखों नहीं दिए, जिम्मेदारी ली तो पूरा करो, नहीं तो मारे जाओगे। आपसे हाथ मिलाया तो पीछे नहीं हटूंगा सर। सूर्य टेढ़ी खीर जरूर है, लेकिन लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर, और मैं हार भी नहीं मानने वाला सर, यकीन करें सर। क्या कहते हो? देखिए सर, सूर्य से टक्कर लेना आसान नहीं लगता। सही वक्त आने का वेट करो, तुम देखते जाओ, भूषण ही सूर्य पर वार करेगा, तब हमें पता चलेगा कि सूर्य में कितना दम है, हमसे ज्यादा या कम। क्या है? आइए। आज तक अपन ने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक ही ख्वाहिश है, आप शादी कर लो। पुराना गन है। पर बुलेट्स तो नहीं है ना भाई, आप शादी कर लो वरना अपन यही मर जाएगा। ए, पॉइंट ब्लैंक पर गन रखकर खुद को बहुत बड़ा डॉन समझते हो क्या? ये आपस में क्या कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। भाई जाओ बात तो करो। बोलो ना, ये जादव तुमसे कुछ कह रहा था ना, आखिर बात क्या है? वाह डॉन, एनी सीक्रेट? हे, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, डरो मत तुम। जी, भाई होकर डर रहे हो आप? पापा। क्या हुआ बेटी? कोई आया हुआ है क्या? यहाँ तो कोई नहीं आया। सपना देख रही थी, शायद डर गई। सेम ड्रेस, कलर भी वही जो मैंने सपने में देखा था। ए, देखो कह देती हूँ, मेरे करीब मत आना, मुझे किस मत कर, मैं कह देती हूँ। पापा पापा मुझे बचा लो। पापा पापा, ये किस करने के लिए आया? पापा प्लीज, क्यों चिल्ला रही है? हेल्प मी। हुआ क्या? पापा भगाइए उनको, जाने के लिए बोली ना पापा प्लीज। पापा उन्हें बोलिए ना जाने के लिए। देखो जाओ यहाँ से, जाओ मैं कहती हूँ जाओ। माथुर अंकल जरा साइड में हो जाओ। पापा पापा, आप पापा ही हैं, दुश्मन है मेरे। देखो मैं कह देती हूँ, मेरे करीब मत आना, मुझे किस्मत का नहा कह देती हूँ। प्लीज, तुम सब लोगों के लिए डॉन हो सकते हो, लेकिन इस घर में मैं लेडी डॉन हूँ। भाई ये लड़की कह रही है किस्मत करो किस्मत करो, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर, और फिर कह रही है यहाँ से चले जाओ। पूछो तो आखिर बात क्या है? मेरे पास मत आना, मैं कह देती हूँ करीब मत आना। नहीं देखो अच्छा नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे। मुझे कैसे पता चला पूछो? तुम्हारे पापा ने बताया। जादव बर्थडे गिफ्ट। बाय। देखो मिस किस किस, आज तक भाई ने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, तुम पहली लड़की हो, अपन उनके भाई को थोड़ा समझो। हाँ एक बात पूछूं, कब से तुम बार बार किस किस कहे जा रही हो? अपन उनके भाई ने सपने में आके तुम्हें किस किया था? तुमको कैसे पता चला? तो कहो ना।
ब्यूटी पार्लर जाऊँ यार, मुझे तो कम एसपी साहब सूर्या का एनकाउंटर करना चाहते। कहा मेरी बेटी सूर्या, मेरी बेटी को मार डाला। कॉलेज गई थी तो इसे कोई उठाकर ले गया और इसका रेप करके इसे मार डाला। फिरोज साहब नहीं पिलाया तो पहले, इसीलिए एसपी भूषण देखिया ये सब। छोड़ना मत सूर्या, उसे मार डालो, छोड़ना मत। जाधव, हाँ भाई, ये एसपी कहाँ मिलेगा? पकड़ रहा हूँ। ये कैसी हरकत है? पकड़ा तो हरकत हो गई। गलत नहीं है? अगर पकड़ना गलत है तो फिर रेप किया तो क्या करोगी? क्या? मैंने कहा रेप किया तो क्या करना चाहिए? रेप करे तो मारना चाहिए। भाई ये लड़की कह रही है रेप किया तो मारना चाहिए। रेप किया तो मार डालना चाहिए। हाँ सूर्या भाई। भाई एसपी इधर ही आ रहा है, आने दे उसे। भाई बोलो अब क्या करें? आने दे, आने दे। मनमानी करेगा? देख यहां पर बेशुमार लड़कियां हैं, कर रेप कर। इतनी सारी लड़कियां खड़ी हैं, टच कर, दम है तो टच कर, रेप कर, रेप कर। ऐ उठ, छू के दिखा। ऐ ए, इस लड़की को किसने मारा? मैंने मारा। जोर से बोल, जाधव। अब तुम सब बोलो। मैंने इसके साथ क्या किया जाए? तूने जिस लड़की का मर्डर किया है वही तुझे अपने हाथ से मारेगी। किसने किसने मारा इसे? बोलो किसने मारा? सर नमस्ते सर, इस लड़की ने मारा सर।
ये लड़की तो मरी हुई है, इसने कैसे मारा? सर, बात एकदम सिंपल है, पहले इसे मार डाला फिर खुद मर गया। सर एक मिनट सर, अपन सब लोग यहाँ हैप्पी मोड में डांस कर रहा था, इतने में ये लड़की भागती हुई इधर आई, इसको बोला तूने मेरा रेप किया, गन निकाली, धार 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 गोली चलाई, पहले ये मर गया फिर वो खुद मर गई। सर आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो वो पड़ी है गन, उंगली को निशान चेक कर लो, बॉडी के अंदर की बुलेट चेक कर लो, और चाहो तो सब लोगों से पूछ लो, क्यों भाई मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ इसी लड़की ने मारा है, हाँ हाँ इसी लड़की ने मारा है, हाँ हाँ इसी लड़की ने मारा। बढ़िया है तुम्हारा प्लान। अरे सूर्या, अरे आईजी, अरे बोला तो गुस्सा आ गया, आप उनके भाई से तमीज से बात करने का और जरा जबान संभाल के पेश आने का, क्या ज्यादा चलाई ना तो काट के रख पुलिस देंगे। पुलिस के साथ ऐसे बात करता है? ए, पुलिस हुआ तो क्या हुआ रे? एसपी ने पता नहीं ये गलत काम क्यों कर डाला, इनकी बेटी को रेप कर उसका मर्डर कर दिया, और सूर्या की अदालत में अन्याय नहीं न्याय होता है। चलता हूं। सूर्या, लोगों का सपोर्ट पाकर बहुत उछल रहे हो तुम, एक दिन सबूत के साथ पकड़कर अदालत में ले जाएगा, ऐसा एसपी लाऊंगा। ऐसा एसपी लेकर आओ जिसमें वाकई दम हो, जो पुलिस वाला हो, वर्दी वाला गुंडा नहीं। दम वाला एसपी लाकर दिखाऊंगा। छह, पुलिस से एकदम नहीं डरता, देख लूंगा देख लूंगा, एक दिन रोड पर एनकाउंटर करके मरवाऊंगा, देख लूंगा। ये लीजिए कॉफी, मेरे सर पे डालो, चलो रखो, कॉफी पिलाएगी। पांच मिनट बात करनी है आपसे। डिस्को में आपको चैलेंज करने के बाद मैं आपके घर में आपको सच्चाई बताने के लिए आया हूं। दरअसल एसपी भूषण फिरोज को पकड़ने के लिए नहीं आया था, उल्टा उसे हेल्प करने आया था। एसपी ने एमएलए रघुनाथ शर्मा और इंडस्ट्रियलिस्ट माधव जी राम के जरिए मुझे फिरोज से मिलवाने की कोशिश की, उन दोनों ने इनकार कर दिया, तो मुझे सबक सिखाने के लिए एमएलए की बेटी को रेप करके मार डाला। अगर यह हादसा आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? यह हकीकत है कि कुछ बातों में कानून से सही न्याय नहीं मिलता, इसलिए मैं बीच में आता हूं। मैं सफाई देने नहीं आया, बल्कि इसलिए आया हूं कि आप एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हैं, आप मुझे गलत मत समझिए, और अगर हो सके तो लोगों की सही परख करें। नमस्कार। सूर्या, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, आई एम सॉरी। नॉट अ प्रॉब्लम सर। एसपी भूषण को सूर्या ने मार डाला। पुलिस ने कुछ नहीं किया? कोई सबूत नहीं मिला। हम ही सूर्या को उठवा लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को उसने पब्लिक के सामने मार डाला, किसी ने उसका नाम नहीं लिया, उससे मालूम पड़ता है कि कितना पावरफुल है। वो काम का आदमी है, उसे वहां नहीं मेरे पास होना चाहिए। फोन करके मीटिंग अरेंज करो, मैं उससे बात करूंगा। हेलो, बोलो। फिरोज भाई को सूर्या से मिलना है, उससे आने के लिए कहो। सूर्या, फिरोज का फोन आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। उससे कह दो मैं उसके बाप का नौकर नहीं। ए, तुम फिरोज भाई के राइट हैंड से बात कर रहे हो। लेफ्ट हैंड होते तो धोने के काम आते। फिरोज से कहो कि वो सूर्या भाई से आकर मिले। शिट, डैम इट। व्हाट हैपेंड? उसने आपको बुलवाया है। Move!
रिलैक्स रिलैक्स। फिरोज सूर्या वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शोले के गब्बर सिंह की तरह गुर्राते हुए आएगा, पर तू तो खरगोश की तरह मासूम है। मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना। ये मेरा स्टाइल है। चला बैठ के बात करते हैं। जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं, अंदर बाहर एक जैसा। तू मेरे बुलाने पर नहीं आया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। देखो मैं खुद चला आया, मुझे तुझसे मिलना जो था। बोलता जा। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा, मैं चाहता तो तुझे चुटकी में खत्म कर देता, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या तेरी कुंडली मेरे पास है। बोलूं क्या? तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान, अपने फर्ज की ओर जिम्मेदार। मेरे जैसे एक को उसने अरेस्ट किया, पर वो बेल पर छूट गया। उसने तेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और तुझे अनाथ बना दिया। अनाथ बन के तू सड़कों पर घूम रहा था, तब एक और अनाथ ने तुझे भाई कहकर बुलाया, और तब से आज तक वो तेरे हर काम में तेरे साथ है। तेरा मुंह बोला भाई जाधव, वो तुझे जान से भी प्यारा है। समाज में हर वक्त हर दिन तेरे साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, पर तू टिका रहा, हिम्मत नहीं हारी। तूने ग्रुप बनाया कमजोरों को लेकर, फाइनली तूने अपने माँ बाप के कातिल यादव को ढूंढ निकाला और पब्लिक के सामने उसे मार डाला। उस वक्त लोग यादव के नाम से डरते थे, लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जनता का पावर तेरे साथ होने से पुलिस भी तुझसे डरने लग गई और तू यहाँ का डॉन बन गया। और इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये है तेरा बायोडाटा। फिरोज तू क्या ये समझता है कि हिंदुस्तानी कोई खोज खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने में कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था, रुपए के लालच में अपनी बहन को धंधे पे उतार दिया, और जब वो आपे से बाहर हो गई तो उसका खून करके जेल चला गया। बाहर आने के बाद नाम बदलकर फिरोज बन जुनैद गैंग को ज्वाइन किया, लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। तुझे ताकत हासिल करने की इतनी लालच हो गई कि एक दिन जुनैद को मारकर तू डॉन बन गया। आज तक जिस किसी ने भी तेरा साथ दिया है तूने उसी के साथ गद्दारी की, लेकिन तू मरने से बहुत डरता है, इसलिए तूने 100 लोग और 40 बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। अभी जो तेरा खास आदमी है उसका नाम है दुर्रानी। इसके पहले तेरा एक और वफादार साथी हुआ करता था सिराज। फिरोज तू अपने फोन नंबर्स बहुत बदलता रहता है। तेरा रीसेंट एयरटेल नंबर 9890211111 है। फिरोज कराची से तू गल्फ गया, इंग्लैंड गया, न्यूयॉर्क गया, बैंकॉक टोक्यो गया। रिसेंटली तूने कनाडा में अपनी धाक जमा ली, वहां के डॉन को खत्म करके अब तेरी नजर मेरे भारत देश पर है। फिरोज तेरी दो गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद भी तूने और तीन को मेंटेन कर रखा है, उनके नाम सोनिया रीना प्रीति। इतना ही नहीं, कनाडा के डॉन को मारकर उसकी बीवी को भी अपनी रखेल बना लिया। शाबाश, पक्का दोगला है तू। तूने मेरा ढोल बजा दिया। किसी भी मुल्क की पुलिस के पास मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ए, दुर्रानी, मैं तो इसकी पोल खोल रहा था, इसने मेरी किताब खोल दी, मेरी चिंदी चोरी से लेकर मेरी गर्लफ्रेंड्स तक। आई लाइक इट। गुड गुड। शॉक्ड हो गया क्या? हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना तू समझता है। ट्रेंड बदल गया है। करेक्ट सूर्या, यू आर राइट, ट्रेंड बदल गया है। और मैं ये भी जानता हूं कि सूर्या बात नहीं करता, आग उगलता है।
दुनिया के कई मुल्कों को मैंने अपने पावर से मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन इंडिया में हुकूमत चलाने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। उसके लिए तुम करेक्ट हो। संभाल ले मेरे फेंके हुए निवालों को। या ये सोने के टुकड़ों से कम नहीं है सूर्या। तू मेरा गुलाम बन जा। ऐश भी करेगा, कैश भी कमाएगा। इस देश के लोग तुझसे और भी डरेंगे, तुझे अपना खुदा मानेंगे। दोनों मिलके इंडिया को पेच डालते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कुछ बोल। पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल। तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके ओके कूल बॉयज मूव। चलता हूँ सूर्या। गेट लॉस्ट। रुको, पहले आप उनका 1,000 रुपया निकालो फिर खेलो। पहले गेम खेलकर जीत लूं, फिर करता हूं तेरा हिसाब चुकता। खेलो खेलो खेलो। प्रिया आज पहली बार साड़ी पहनकर आ रही है। साड़ी पहनकर आ रही है? सूर्या को उल्टा सीधा कहा था ना, इसलिए सॉरी बोलने आ रही है। सॉरी बोलने के लिए साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? सठिया गए हो तुम। ये मैटर क्या है? यादव, पहली बार अपुन को इतने प्यार से बुला रही है। जाओ जाओ, प्यार से बुला रही है। फर्स्ट टाइम इतना प्यार से नाम लेकर पुकारा। अब से मैं तुम्हें नाम लेकर नहीं बुलाया करूंगी। नाम नहीं लोगे तो क्या टपोरी लॉलीपॉप कहकर बुलाओगी? नहीं, देवर जी कहकर बुलाऊंगी। अपुन देवर जी? तो फिर अपुन तुमको भाभी जी कर बुलाएगा। ठीक है भाभी जी। बोलो ना क्या बात है। एक्चुअली मैं यहाँ तुम यहाँ क्या और किससे कहने आए? अपुन को सब पता है। फॉलो मी। भाई भाई भाई, क्या हुआ? ओके, सब ओके हो गया। क्या भाई, सब ओके हो गया? अरे क्या हुआ? तेरे रिकॉर्ड किसमें अटक गई है क्या? आगे बोल। आज आपका लक अच्छा है भाई, वो साड़ी पहनकर आई है। आपका मैटर तो एकदम ओके हो गया भाई। अपुन तो चलते हैं, अपना में मैटर ओके हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। लगता है जादव पागल हो गए। बता देती हूँ, दरअसल मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती थी, पर तुम्हें देखे बगैर भी नहीं रह पाई मैं। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती थी, पर तुमसे बात किए बगैर रहना भी बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा तुमसे लव भी नहीं करूंगी, पर लव हो गया। लेकिन तुम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मैं किस नहीं करना चाहता था, पर किसके बगैर रह नहीं पाया। ना तुम बोलो ना मैं बोलो, हमने प्यार किया। मन से सब कुछ कह दिया।
सब कुछ कह दिया दिल की राहों में जीने दे बाहों चुराती है तेरी बातें तेरी यादें रातों को जगाती है अब न रुकेगा ये सिलसिला दुनिया मिली है तू जो मिला मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया छोटे ये जानम प्यार ना अपना होगा कम खोई खोई जाके सोई रहती है मेरी आंखें तेरी खुशबू से महके है मेरी ये सांसें दूर ना जाना ओ साथिया एक पल लगे ना तेरे बिंजिया ना तुम बोलो ना मैं बोलूं हमने प्यार किया मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया दिल की राहों में जीने दे बाहों में आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा जीते रहो बेटी जीते रहो हाँ स्वार्थी की तरह अपने बारे में ही सोच रहे हो या आप उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है तेरे बारे में क्या सोचेंगे आप उनको भी किसी से लव कर प्यार का इजहार कैसे करेगा वो एक लड़की को सिलेक्ट करके एक मस्त फ्लावर देके आई लव यू बोलना है फूल मिलते ही तुमसे प्यार करने लगेगी क्या नहीं तो गन कनपट्टी पे रख के आई लव यू कहलवाऊंगा ए गन देखकर कोई लड़की आई लव यू बोल देगी प्यार करेगी क्या अरे गन के साथ साथ अपना दिल दिखाकर अपना मामला फिट कर दिया है अभी मिलाता हूं डार्लिंग लड़की अच्छी है ना भाई ए, जरा मुझे देखने दे तू हट ना सबको नमस्ते इसमें क्या देखा जो तुम प्यार कर बैठी कलर देखकर इसे पसंद किया सच कह रही हो ना तुम या इसने गन दिखाकर तुम्हें डराया बिल्कुल नहीं सर इनसे मैंने प्यार क्यों किया बताती हूँ मेरे पड़ोस वाली लड़की एक प्रॉब्लम में थी
इन्होंने उनको हेल्प किया। उनके इसी अच्छेपन पर मैं फिदा होकर लव कर बैठी। तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी। करती क्या हो? डिग्री की पढ़ाई कर रही हूँ। अभी तुम घर जाओ। हाँ? कल सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। भाई कल करे सो आज कर, इसके घर वालों को मैं साथ में ही लाया हूँ। आइए। तू तो जेट से भी ज्यादा फास्ट हो गया। भाई आप ही से सीखा है। आइए। नमस्ते सूर्या। नमस्ते भाई। नमस्ते। आप क्या करते हैं? मैं भाई LIC में जॉब करता हूँ। ये रिश्ता आपको मंजूर है? सूर्या भाई के घर में मेरी लड़की का रिश्ता होने का मतलब बड़ी किस्मत की बात है। तो फिर बात पक्की। भाई ये मामला तो पड़ गया, लेकिन माथुर अंकल अपनी बेटी की शादी अब उनके भाई से करवा रहे ना। सूर्या को मारने के लिए टॉप क्लास के शूटर्स मंगवाए थे ना आपने? ये रहे। दुरानी, ये लोग काम को अंजाम दे पाएंगे ना? आर दे परफेक्ट शूटर्स? एनी डाउट? डू यू लाइक दिस फ्लावर पॉट्स? या। Sorry. Good. Wow. Thank you. Bye. Bye. सूर्या को हम लोग भी मार सकते थे ना? No. वो अकेला बहुत पावरफुल है। उसे प्लानिंग करके ही मारना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? ओहो, ट्यूबलाइट कहेंगी। उन दोनों ने हम दोनों को आई लव यू तो बोल दिया, लेकिन एक दिन भी हम दोनों को बाहर घुमाने ले गया क्या? अब बोलो। आज हम दोनों उन दोनों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है? उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जाधव को फोन करके बुलाओ ना। जाधव नहीं आएगा, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम आओगे तो मैं तुम्हें एक दूंगी, ऐसा कहोगे तो भागता हुआ आएगा। क्या दे रहा होगा? वो भी मुझे बताना होगा क्या? ट्यूबलाइट, जाधव को फोन करके बुला लो। मैं जाती हूँ सूर्या को बुलाने के लिए। फिरोज पर हमला किया तो वो हमारी पब्लिक को मारना शुरू कर दे। वो क्या है सूर्या के? वो कोई रहम दिल इंसान नहीं है। मैं नंदिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। अपन भाई के साथ है। तुम अभी चले आओ तो एक दूंगी। हाँ, ऐसा क्या? मैं तुम्हारे घर के नीचे स्विमिंग पूल के पास खड़ी हूँ, जल्दी आओ ना। अभी आता हूँ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक तो तू ठीक था। पेट का दर्द क्या बोल के आता है? मैं जरा डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर नंदिनी के पास ना? उसी का फोन आया था ना अभी। मिल ले। अब उनके भाई को डॉन नंबर वन ऐसे थोड़ी कहते हैं। देवर जी। भाभी जी, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ पर्सनल बात करनी है। सब लोगों को चले जाओ। इन दोनों को पर्सनल बात करिए, बुड्ढों का कोई काम नहीं है। ओल्ड मैन प्लीज कम आउट। अरे तू बूढ़ा किसे बोल रहा है? ओल्ड मैन किसको बोला रे? अरे क्या हुआ तुम्हें? पूछो क्या नहीं हुआ, मेरी तो पूरी लाइफ ही वेस्ट हो गई है। क्या हुआ बोलो तो? सिर्फ आई लव यू कह देने से काम हो गया क्या? कभी बाहर घूमने नहीं ले गए तुम, एक आइसक्रीम शेयर करके नहीं खाई, एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल में स्ट्रॉ डालकर दोनों ने नहीं पी, पार्क भी घुमाने नहीं ले गए। तुम्हारा दिल नहीं करता ये सब करने के लिए? अभी क्या करना है वो बता दो। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी बात मानोगे। मानूंगा ना। मुझे सिनेमा देखने जाना है। जरूर जाएंगे। जाधव को कहो वो नंदिनी को लेकर आए, हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। जाओ। सूर्या। क्या? सूर्या। क्या? सूर्या। क्या? क्या? तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। अरे आज पूरा थिएटर खाली क्यों है? आज सूर्या भाई आने वाले हैं ना, सारे टिकट्स उन्होंने ही बुक कर लिए। अच्छा, सूर्या भाई आने वाले।
It's a bulletproof car. Oh, shit. Get up, get up. भाई अब बाहर आ सकते हैं। मम्मी वो देखो। चलो जल्दी अंदर चलो। जाधव जी भाई डोर क्लोज करो। क्यों भाई? डोर क्लोज करो और सबको कहो अंदर बैठ जाओ। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। John, something's wrong. It's too dangerous. Let's go back. No, I have to shoot. Wait. सामने सत्यम कंप्यूटर है, फोन लगा। ठीक है भाई। हेलो, सूर्या बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, बोलिए। नमस्ते, आपके टॉप फ्लोर पर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है? है ना सर। ऑपरेटर रूम कनेक्ट कीजिए। अपनी राइट वाली बिल्डिंग पर कैमरा टर्न करो। करता हूँ सर। वहाँ पर क्या हो रहा है? दो लोग बैठे हुए सर। जूम करके बताओ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। थिएटर की ओर गन एम करके बैठे हैं सर। कैमरा उधर ही फोकस करके रखो। ओके सर। मेहमानों की खातिर करो, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। ज्यादा उन दोनों को भी बुला लो। उगी से लड़ डॉन नंबर वन नहीं मर। डरो मत, कभी कभी ऐसा खेल खेल लेता हूँ। चले। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही हो? मैं हूं ना। चलो चलो ना। जाधव अभी आया भाई। महिला मारा लालस। Did you people enjoy the party yesterday? Cool. I liked Even it. Even we too liked it. It was very funny. I'm very very happy. Yeah. Hello sir. Hi. सूर्या का मैटर का क्या हुआ? This time finished. Cheers. Cheers. क्या बोलता है? Really great. मैंने तो समझा था तेरी लाश आ टपकी, मगर तूने आसमान को ही कब्रिस्तान बनाकर मेरे आदमियों की लाशें बरसा दी। सुपर स्टाइल। पूरे दुनिया की पुलिस मेरे ठिकानों को ढूंढ नहीं पाई, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बाज की तरह घुसाया। Hats off. फिरोज, कहा था ना हिंदुस्तान पर बुरी नजर मत डाल। एसपी को भेजा, वो मारा गया तो फिर मुझे बुलावा दिया। मैं नहीं आया तो मजबूर होकर तू मेरे यहाँ आया। जलील होकर जाने के बाद भी अपने शूटर्स भेजे मुझे मारने के लिए।
आखिरी बार माफ कर रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में फिर मत आना। क्यों ना आऊं? मेरी आदत है जिस चीज की तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूं उसे हासिल करता हूं, नहीं तो बर्बाद कर देता हूं। यही फिरोज का स्टाइल है। मगर तू टेंशन क्यों लेता है? अभी तो गेम शुरू हुआ है। गेम शुरू करते ही तू तीन बाजियां हार चुका है। मैं शुरू हुआ तो तेरी कब्र तो मैं इस दिमाग से बना दूंगा, मगर फातिया पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज। तू मुझे चैलेंज कर रहा है क्या? अभी तू बच्चा है सूर्या। मुझे चैलेंज कर रहा है? बॉयज, मैं तुझे चाहूं तो एक मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूं। करूं? करूं? ये बच्चों की तरह गुल्ली डंडा खेलता है। दिखने में तो समझदार है लेकिन यहाँ पर। भाई बता दो जरा इसे। ए फिरोज, न्यूयॉर्क में तेरा शीश का गोडाउन, स्विट्जरलैंड में तेरे ब्लैक मनी, बैंकॉक में जिस जगह से तू लड़कियां सप्लाई करता है, काठमांडू में जहां तेरा कैसिनो, इटली में जहां से तू हथियार स्मगल करता है, उन सब जगहों पर रिमोट बॉम्ब लगा कर आए। बटन दबा दे जादव। बटन दबा दिया तो जहां तू खड़ा है वो भी उड़ जाएगा, एक तिनका भी नहीं बचेगा। हम दोनों को अपनी जान की परवाह नहीं। क्यों बोलती बंद हो गई? हाँ, हवा खिसक गई। ज्यादा बटन दबा। नो 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 नो, तू तो बच्चों की तरह डर गया। एक बार दबाने दे ना। रुको, नहीं ना, कवर गन नीचे करवा। बॉयज डाउन डाउन डाउन। ये तो बच्चों की तरह डर गया भाई। मेरे साथ बचपन मत किया कर, ये फाइनल वार्निंग है। इसके बाद वार्निंग नहीं, शुरू होगा वॉर। बेबे इसको गोली और सोडा दो, इसका हजमा खराब हो गया। सर, तुम संग्राम को बुलाओ। नमस्ते। क्या चाहिए तुझे? जाधव की जान चाहिए मुझे। बॉम्ब से पूरे इंडिया को शेक कर दे, तुझे जाधव मिल जाएगा। ओके? इज एवरीथिंग ओके? ओके डन। डैडी आइसक्रीम। ठीक है बेटा। भैया एक चॉकोबार देना। राजू बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? मम्मी, दादाजी वहाँ पर कार खड़ी है, आपको कहाँ जाना है? एस्टडी बूथ जाना है बेटा। चलिए वो वहाँ है, मैं आपको ले चलता हूँ। दादाजी समझ के चलिए। जरा राजू को तो देखिए। मैं आपको ले चलता हूँ दादाजी। Ah!
हाय बच्ची को, आपके रहते ये क्या हो गया? सूर्या फिरोज, सूर्या फिरोज वार्निंग नहीं देता, वार करता है। मेरी कब्र पर कोई फातिहा पढ़े न पढ़े मुझे कोई गम नहीं। मैंने तेरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना दिया। असली धमाका तो अभी बाकी है। मेरे लोग तेरे शहर में जगह जगह फैल चुके हैं। तेरे पास सिर्फ दो गड्ढे बाकी हैं। इस बीच उनको पकड़ ले तू, नहीं तो इससे भी बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा। इस बार 100 नहीं, हजारों जाने जाएंगी। भाग सूर्या, अपनी पब्लिक को बचा ले। मैं तो अपने देशवासियों को बचा लूंगा, मगर तू नहीं बचेगा। तूने अपनी मौत कंफर्म कर ली, ब्लास्ट करके लाशें बेचोगे। फिरोज, तूने मुझे 2 घंटे दिए तेरे आदमियों को पकड़ने के लिए, पर तू 2 घंटे से पहले मेरे पास घुटनों के बल चलता हुआ आएगा। मेरी तरफ से काउंटडाउन शुरू हो गया है। गिनता जा कमीने, गिनता। देख लेंगे सूर्या, बहुत पछताएगा। जाधव, माथुर जी, पूरे शहर में फैल जाओ तुम सब। जिस किसी पर भी शक हो उसे छोड़ना मत। मूव। ये जो हमारा गेस्ट हाउस है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, पुलिस तक नहीं जानती। सूर्य को भी नहीं पता क्या रे? हर बार तू सूर्य से इतना डरता क्यों है? अपना फिरोज हर बार सूर्य को स्ट्रोक देकर कंफ्यूज करता रहता okay. है। यही करेक्ट टाइम है सूर्य को अगला स्ट्रोक देने का। चलो प्लान बनाते हैं। अरे फिरोज भाई। दुर्रानी, सूर्य बहुत शातिर है। फौरन वहां से निकल जाओ और एक सेफ जगह पहुंचो। बिल्कुल भी देर मत करो, सूर्या के आदमी तुम्हें ढूंढने निकले हैं। जाधव को पकड़ने का ये राइट टाइम है, और मुझे वो जिंदा चाहिए। उसे पकड़ने के लिए अपने लोग भेजो। ठीक 6 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब रख देना। ओके सर, काम हो जाएगा। काम हो जाए तो फोन करना। ओके। मैं जो कह रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनो। तुम शाम को 6 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट करना। तुम जाकर जाधव को पकड़ो, उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, जरा संभल के काम करना। मैं देख लूंगा। अब हम लोग यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फिरोज भाई को फोन करना। तुम लोग बहुत संभल के अपना अपना काम करना, और जाधव को उठाते ही तुरंत मुझे फोन कर दे, और हमेशा मेरे टच में रहना। कम ऑन, मूव, लेट्स मूव। जाधव, तू मिल गया। बॉयज, फिरोज के आदमी यहीं किसी फ्लैट में है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। पब्लिक को डिस्टर्ब किए बिना उन्हें ढूंढो। ओके, तुम लोग वहां जाओ, तुम लोग वहां पे, और तुम लोग यहां पे जाओ। अरे तू तो अकेला मिल गया। बॉयज, अरे तू डर रहा है क्या?
फिरोज ने तुझे जिंदा पकड़ने को कहा है, भाई से तुम लोगों ने पंगा क्यों लिया? बॉयज इसको जिंदा पकड़ो। देख रहा है बेतू, अब तो यहाँ से भाग नहीं सकता, अब तो मरेगा। तुम लोग ही प्लान बना सकते हो क्या? अपुन लोग नहीं बना सकते क्या? तेज बवंडर तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। सूर्य भाई जाधव, इन लोगों से मैं निपटता हूं, तो उससे निपट। ठीक है भाई। मुझे नहीं पता, तेरे आदमी का ही फोन है। ज्यादा फोन अटेंड कर। अब बता बम कहां प्लांट किया है? जान प्यारी है तो बता। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तू ऐसे नहीं बताएगा। बकना शुरू कर। बताता हूं। बम कहां प्लांट किया गया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने प्लांट किया है वो गोल्डन आई डिस्को में मिलेगी। भाई चलो वहीं चलते। जल्दी मत करो, डिस्कोथेक में बहुत पब्लिक भरी रहती है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। 6 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है। डिस्को में कोई भी मोबाइल फोन नहीं बजना चाहिए, सबके स्विच ऑफ करवा दो, बाकी बाद में बताऊंगा। पांच मिनट का टाइम दे दो उन दोनों को। हेलो। आप सबके लिए बैड न्यूज है। हमारे शहर में जिसने बॉम्ब प्लांट किए हैं उस फिरोज ग्रुप के 2 आदमी यहां मौजूद हैं। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य भाई यहां मौजूद है।
वो दोनों भी ये सुन ले, वो यहाँ से निकल नहीं सकते। होटल को चारों तरफ से हमारे आदमियों ने घेर लिया है, इसलिए उन दोनों को अब उन 5 मिनट का टाइम देता है। 5 मिनट के अंदर दोनों सरेंडर कर दो। अब जबकि हमारे पास 5 मिनट हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी ऐश कर ली जाए। क्यों दोस्तों, ये क्या सब डल पड़ गए? सूर्या भाई के होते हैं सिर्फ ऐश होती है ऐश। क्यों भाई, सही कहा ना? अब उनके सूर्या भाई ने दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की, सीधी तरह से बाहर आ जाओ। एक निकल आ गया, दूसरा कहाँ है रे? बम कहाँ है? बोल ज्यादा, बोल कहाँ रखा है, वरना तेरी तो बताता हूँ। वहां पर चल, उधर चल। देखा कहाँ है? ऑफ कर जल्दी। ऑफ करना मुझे नहीं, रॉबिन को आता है। मूव। अब तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हे रॉबिन। हेलो, कहाँ हो तुम? सर, कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ सर। बाहर हो? यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? इस वक्त तुम दोनों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए था ना, फिर यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। मारने वाला मिल गया है, यहां लाकर उसे तेरी आंखों के सामने जान से मारूंगा। कितने सालों से इंतजार कर रहा हूं तेरा, अब जाकर तू मेरे हाथ में आया है। जा बुला, बुला अपने भाई सूर्या को। ऐसे घूर के क्या देख रहा, बुला उसे। फिरोज हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, ये जानते हुए भी तूने उसका साथ दिया। वो तो पाकिस्तानी है, मगर तू तो इसी देश का है, तुझे माफ नहीं कर सकता। जाधव, इसके लड़के को तूने ही मारा था ना, अब इस देशद्रोही को भी तू ही मार। मॉडल शहर में एक अनजान जगह पर बॉम्ब रखा हुआ था और कहा जाता है कि कुछ अनजान लोगों की लाशें भी उस जगह पर मिली हैं। उनके पास से मिले सबूतों से पता चलता है कि वो लोग पाकिस्तानी डॉन फिरोज के आदमी हैं। इस वजह से पुलिस विभाग में भी चिंता का कारण बना हुआ है। हेलो फिरोज, इवनिंग टीवी न्यूज देखी क्या?
तूने मुझे 2 घंटे का टाइम दिया था, अभी तो आधा घंटा बाकी है। जिस जगह पर तूने मेरे आदमियों को मारा था, ठीक उसी जगह पर तेरे आदमियों की लाशें पड़ी हैं। क्यों? शॉक्ड हो गए क्या? ज़्यादा शॉक मत होना। क्योंकि असल शॉकिंग न्यूज़ तो ये है कि दुर्रानी मेरे पास है और अब वो मेरा आदमी बन चुका है। कल कोर्ट में सारी सच्चाई बताएगा। नहीं सूर्या, नहीं, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मिलने मिलाने का वक्त तो अब खत्म हो चुका फिरोज। मेरे मना करने के बावजूद भी तूने मेरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देखना अभी भी नहीं छोड़ा। अब तेरा खेल खत्म। बाय। चीयर्स भाई लोग। अपन यहाँ पार्टी मना रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने सूर्या भाई को मत बताना। हाँ और मालूम, सूर्या भाई सचमुच ग्रेट है। उस फिरोज की तो चड्डी गीली कर दी। उसने 2 घंटे का टाइम दिया था, भाई ने 1.5 घंटे में उसका काम तमाम कर दिया। अब ये सूर्या भाई के नाम से चीयर्स। सुनो, भाई ने पूछा तो बोलने का नहीं पिया। ठीक है, पियो रे, पियो पियो। सब अच्छे मूड में। कौन रो रहा है भाई? कोई नहीं है भाई। आप उनके काम में साउंड कहां से? दारू इतनी जल्दी चढ़ गई। पियो रे, पियो पियो। आप उनको ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? आइला मर गया, निकलो यहां से, निकलो। भाभी, Why are you crying? अरे रे, तुम तो सचमुच रो रही हो। अपुन को लगा मजाक कर रही हो। क्यों रो रही हो भाभी? कल दुरानी को कोर्ट लेकर जाते वक्त अगर तुम्हारे सूर्या भाई को कुछ हो गया तो इसी बात का डर है। सूर्या भाई को? सूर्या भाई को कोई कुछ नहीं कर सकता। भाभी आंसू पहुंच लो। अपुन बोल रहा है ना, आंसू पहुंच लो। आप दोनों जाकर कुछ रोमांस वोमांस करो ना। जाओ जाओ जाओ। सूर्या बहुत टेंशन में होगा ना। टेंशन में तो तुम दिखती हो। भाई का टेंशन दूर करने का आइडिया मैं बोलता हूँ। इधर आओ। समझी? मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल, जाओ। और जब तुम और सूर्या भाई रोमांस करेंगे ना, तब अपन अपने लवर को जाके मिल के आएगा। तुम यहाँ मैनेज करना। ठीक है, करूंगी। हंसो। चलो सूर्य। फिरोज को हमसे कम नहीं समझना चाहिए। दुरानी को कोर्ट ले जाते वक्त हमें काफी होशियार रहना होगा। यू आर राइट। आईजी को इस बारे में सब बता दिया। बता दिया, लेकिन हमें अलर्ट रहने को कहा है। ओके। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अरे भाई, अपनी इज्जत जा रही है, इज्जत जा रही है भाई। क्या हुआ? और क्या होना है भाई, अपनी तो इज्जत गई, मिट्टी में मिल गई। ए, क्या बोल रहा है तू? भाई कल सपने में आपने सब कुछ किया, लेकिन सब वेस्ट हो गया भाई, वेस्ट हो गया। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो कुछ पूछना डायरेक्ट भाभी से पूछ लो ना भाई। ओह, तुम कब आई? यही है, अब उनको क्या प्रॉब्लम है उन्हीं से पूछ लेना। अब उन तो चलता है। क्या प्रॉब्लम है? अपने नए सपने के बारे में बताओ। अगर मैं बोलूंगी तो तुम वही करोगे? करूंगा, बोलो तो सही। सच में? मेरे सपने में आकर तुमने क्या क्या पता है? चिल्ला क्यों रही हो? फीलिंग के लिए। ओ। तुमने मेरे सपने में आकर मेरे साथ क्या क्या बताऊं? क्या क्या? तुम डरो मत, मैं तुम्हारी तरह वॉक करके आती हूँ। ओके ओके। ऐसे स्टाइल से आते हो। फिर जादव की ओर देखते हो, वो कहता है भाई किस कर दो ना, भाई किस कर दो। फिर तुम क्या करते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, मुझे पकड़कर। फिर लंबा किस कर देते हो। मुझे पता था तुम सिर्फ सपने में ही किस करते हो, मुझे हकीकत में नहीं करते हो। Ah.
मीठा मीठा चुमा दे दे प्यारा प्यारा चुमा दे दे चुमा दे 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 चुमा ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुमा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा धीरे धीरे चढ़ेगा नशा ओ सांवरिया धीरे धीरे चढ़ेगा नशा हले हले आएगा मजा ओ गोरिया हले हले आएगा मजा आ आ दे चुम्मा उफ युम्मा दे चुम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा मम्मी डैडी घर पर है तुम अंदर कैसे आए दीवार फान के सीधा अंदर आ गया पर क्यों तुमसे गुड नाइट कहने के लिए ठीक है गुड नाइट जाओ जाओ गुड नाइट नंदिनी आप कुछ नहीं करेगा क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ बैठकर 5 मिनट बात करेगा ठीक है 5 मिनट्स बात करो और घर जाओ हां ओके कुछ करोगे तो नहीं ना प्रॉमिस प्रॉमिस 5 मिनट में चला जाऊंगा क्या बात करनी थी साइलेंट क्यों बैठे हो तुम 5 मिनट बात करने के लिए कहा मैंने ए
ए, कैसा लगा मेरा झटका? अरे अरे अरे, क्या हुआ? आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी सब शादी के बाद। अरे मैं तो एक बात कहना भूल ही गई, जाधव नंदिनी के घर गया है, वो तुमसे कहने में डर रहा था इसलिए मुझसे कहा कि मैनेज कर लूं। जाधव नंदिनी के घर? हाँ। इस वक्त जाने क्यों दिया? तो क्या हुआ? जाधव फोन उठा। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है। इस वक्त क्या जरूरत थी उसे जाने की? बेवकूफ कहीं का। मिल जाएगा। गाड़ी तेज चलाने को कहो। एक गाड़ी तेज चला, फोन भी नहीं उठाता। दीदी, दीदी, ये दीदी जाधव, दीदी जाधव। क्या हुआ? दीदी जाधव। क्या हुआ? जाधव कहाँ है? मैं और जाधव यहाँ आ रहे थे, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। पता है उसके हाथ पांव में बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी नंदिनी कहाँ है? जाधव तुम जल्दी चलो, दीदी जल्दी चलो। चलो चलो चलते हैं। एक मिनट रुको बेटी। हाँ? सूर्या को पहले फोन कर लो। मैं कह रही हूँ ना, जाधव बहुत ही सीरियस है और आप है कि फोन पे लगे हैं। सूर्या से बात करना जरूरी है। जाधव वहाँ मरने के कगार पर है, आपको फोन। मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? हे भगवान, आप मेरी बात समझते क्यों? सूर्या को बताना जरूरी है। आप मेरे बीच में मत आइए। अगर कोई मेरे नजदीक आया तो कह देती हूँ मैं इसे जान से मार डालूंगी। पुड़िया गंज जाओ। शिट, नंदिनी का घर यही है ना? हाँ यही है, लॉक लगा हुआ है। क्यों सूर्या, शौक लगा? दुनिया में तो सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जिनके पास अकल होती है। जाधव ने जिस लड़की से प्यार किया वो मेरी गैंग की लड़की है, और तूने बिना इंक्वायरी के उस लड़की को अप्रूव करके ओके कर दिया। अब तेरा भाई और तेरी लवर मेरे कब्जे में है। मैं शेर को फंसाने के लिए बकरी का इस्तेमाल करता हूँ, गोली वेस्ट नहीं करता हूँ। देखा मेरा मास्टर ब्रेन, परफेक्ट प्लानिंग इसे कहते हैं सूर्या। थू, तेरी जिंदगी पर। तू एक लड़की का इस्तेमाल करके गेम खेलता है और तू इसे मास्टर ब्रेन कहता है। ए फिरोज, एक सवाल पूछता हूं तुझसे, तू मर्द है या हिजड़ा? फेस टू फेस टक्कर ले, पता चल जाएगा कौन मर्द है। देख, आज ऐसे इंसान को मर्द कहते हैं। ए सूर्या, तू मेरे आदमियों को लेकर आ, मैं तेरे आदमियों को लेकर आता हूँ, फिर खेलेंगे एक गेम, उसी में होगा फैसला डॉन नंबर वन बनने का। क्या कहता है? कहना क्या है, मिलते हैं। हाँ, तेरा भाई बड़ा हिम्मत वाला है रे। उसके पास मेरा एक आदमी है दुर्रानी, और मेरे पास तुम दोनों। एक्सचेंज करने के लिए एक ही काफी है, तुम दोनों में से एक को मरना होगा। बोलो किसको मारूं? इसमें एक ही बुलेट है, तुम लोग आपस में फैसला कर लो कौन जिएगा और कौन मरेगा। जादव, जादव मुझे लेने दो। नहीं भाभी, नहीं जादव, नहीं मुझे दो। भाभी नहीं, नहीं मुझे दो। जादव, जादव मुझे दो। नहीं, एक ही बुलेट है तो क्या मुझे मारेगा? मुझे मारेगा तो मेरे आदमी तेरी भाभी को मार डालेंगे। जल्दी से अपने आप को शूट कर लो, तेरी भाभी रो रही है। कम ऑन जादू, शूट करो। जादू, मेरी बात सुनो। जादू, शूट करो। प्लीज, मेरी बात सुनो। प्लीज। क्या देख रहा है बे?
इस बुलेट से तुझे भी मार सकता था, पर तेरी मौत अपुन के हाथ से नहीं, सूर्या भाई के हाथ से लिखी है, जो आज तक कभी हारा नहीं है। अपुन का भाई अपुन से इतना प्यार करता है ना कि बिना सोचे समझे अपुन के प्यार को उसने ओके कर दिया, और इसने अपुन को धोखा दिया, अपुन ने इसको खलास कर दिया। हैप्पी ओके भाभी, चलते हैं अपुन भाई को अपना नमस्ते बोलना। शूट करने के लिए बोला ना, अब रुका किसके लिए तू? मार मार मारना अपुन को, शूट हिम। सूर्या, बहुत अच्छे सूर्या, तेरे साथ गेम खेलने में बड़ा मजा आया। गेम खेलने से पहले एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे आदमी को पहले मेरे पास भेज। पहले मेरे आदमी को भेज, ये मेरा इलाका है, यहां जो मैं कहूंगा वही होगा। तेरे तो दो आदमी है और मेरा सिर्फ एक आदमी है, पहले उसे भेज, उसके बाद तेरे लोगों को भेजूंगा। जाओ सूर्य, गो। जाधव कहाँ है? जाधव को मार डाला सूर्या, मेरे आंखों के सामने उसे मार डाला सूर्या, उसे मार डाला, मार डाला। एक्सचेंज करने के लिए एक ही काफी था, इसीलिए तेरे भाई को मार डाला है। उसे लेकर आओ। अपुन का इस दुनिया में कोई नहीं है, अपुन आपके साथ ही रहेगा भाई। ए सूर्या, ये इमोशनल ड्रामा बंद कर, चल अब गेम स्टार्ट करते हैं। रूल्स बता देता हूं, तू नीचे गिरा तो तेरे दो आदमी मारे जाएंगे, और अगर मैं गिरा तो मेरे दो आदमी मारे जाएंगे। हम दोनों के बीच एक ही बचेगा और वही होगा डॉन नंबर वन। चल बात हो जी, जाधव को ले जाइए। जादू
सूर्या, उसे छोड़ना मत सूर्या, उसे मार डालो सूर्या, मार डालो उसे, मार डालो। मत, मैं किसी को नहीं मारूंगा। सारी दुनिया में दहशत और आतंक फैलाने वालों की नाक और गर्दन कटना बहुत जरूरी है। आना, सूर्या, मैं अपने रूल्स नहीं बदल सकता। तेरा एक और आदमी मरेगा। दुरानी अब तेरा आदमी बन गया है, मेरे खिलाफ गवाही देगा, इसका मरना जरूरी है। सॉरी दुरानी। यू आर राइट। बदलने नहीं चाहिए। सूर्या, उसे मार डालो, मार डालो सूर्या, मार डालो, इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मार डालो इसे, छोड़ना मत। मारता क्यों नहीं?
मार, मेरे देशवासियों को मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत। भारत देश चाहिए था ना तुझको, ये ले मौत दे रहा हूं फिरोज। hey! हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वालों का सूर्य यही अंजाम करता है।